हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अवि मित्तल व्लॉग्स। एनएमसी ने एक बहुत बड़ा नोटिस रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि 2021 बैच, उसका मतलब जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं 2022 में, जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग के बच्चे आ चुके हैं, उनकी जो MBBS की क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होनी है। इस साल के इस बैच की जो MBBS क्लासेस होगी फर्स्ट ईयर की, वो किस डेट से स्टार्ट होगी, ये सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब की बारी सेकेंड राउंड मॉपअप वगैरह के लिए उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा और उनकी क्लासेस जस्ट फर्स्ट राउंड के ख़त्म होते ही स्टार्ट हो रही है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग 14 फरवरी से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? 14 फरवरी से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। ये आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हमारी जो क्लासेस है वो बहुत जल्दी अभी स्टार्ट होने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी बच्चों के लिए कि जो क्लासेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी बात, उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए हैं स्केड्यूल वगैरह में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि क्या क्या चेंजेस किए हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 फेब मेंशन किया गया है। उसके साथ हमारे साथ ये मेंशन किया गया है एकेडमिक का जो सिस्टम होगा, सारा जो टाइम वगैरह होगा वो सब स्टिपुलेट हो चुका है, मतलब वो सब कंस्ट्रक्ट बन चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही सब अब नया जो होगा वो सब क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे कैसे हो रहा है। द फाउंडेशन कोर्स ऑफ डेडिकेटेड 1 month हैज बीन सबसम्ड। पहले फाउंडेशन कोर्स होता था फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ, अब वो नहीं हो रहा, मतलब उसे सबसम्ड कर दिया है। जो टोटल टाइम पीरियड होगा फर्स्ट कोर्स का, उसी के अंदर उसको सबसम करके उसको साथ में करवा दिया जाएगा। ये अभी 11 months का कर दिया है, जो फर्स्ट कोर्स होता है जो MBBS का, फर्स्ट प्रोफेशनल जो होता है उसे 11 months का कर दिया गया है। फाउंडेशन कोर्स विल बी कवर्ड ऑफ यूजुअल टीचिंग हार, मतलब ओवर टाइम क्लासेस लगेगी और अगर उसमें भी कंप्लीट नहीं होता है तो वीकेंड्स और हॉलीडेज पे ये सब कुछ होगा। द फर्स्ट प्रोफेशनल हैव बीन कंप्रेस्ड टू 11 month, ये देख सकते हैं कि 11 month का कर दिया है इंस्टेड ऑफ 13 month। पहले वो 13 month का था, अब उसे 11 months का कर दिया है। वैकेशंस हैव ऑल्सो बीन कर्टेल्ड, जो वैकेशंस होती थी उसे भी कम कर दिया है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन एक्सेट्रा की। जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल के अंदर पहले जो 1 month की थी, अब उन्हें शायद 1 week का कर दिया गया है। मैं भी आपको इसमें ये दिखाता हूँ कि इसे 1 week का भी कर दिया गया है। और ये भी कह दिया कि फाइनल प्रोफेशन एग्जामिनेशन जो होंगे वो जून 2026 में हो जाएंगे, मतलब 4.5 ईयर का जो हमारा कोर्स होगा वो जून 2026 में कंप्लीट हो चुका होगा। मैं आपके साथ पूरा टाइम टेबल भी अभी शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस मंथ में हमारे एग्जामिनेशंस होंगे, किस मंथ में कैसे कैसे हमारा सारा कोर्स कंप्लीट होगा। केयर हैज़ बीन टेकन नोट टू कटेल प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स, मतलब कि जो पोस्टिंग्स है हमारी प्रैक्टिकल की और अब क्लिनिकल की, उसमें कोई भी हमें नुकसान नहीं किया गया, उसमें कोई भी हमें माइनस नहीं दिया गया, वो उतना ही उतना रहेगा। इंटर्नशिप भी 1 year की ही होगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ट्रेनिंग आवर और जो टीचिंग आवर है वो भी उतने ही लगेंगे, चाहे वो ओवर टाइम करके लगाएं, चाहे वैकेशंस कम करके लगाएं, कैसे भी वो कंप्लीट कर देंगे। इन्होंने मतलब है कि कोविड में जितने भी हमें नुकसान हुए हैं उन नुकसान से हमें उभारा जाएगा इसके अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 1 February को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, अभी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट राउंड की मोस्टली, और अभी 14 February से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक मेरा आइडिया है, और NMC के अकॉर्डिंग ये क्लासेस को स्टार्ट करना है 14 February से। अब बाकी जो होगा वो करेंगे जो वहाँ के अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई अलग अलग बात होती है तो अलग बात है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो अभी कोर्स स्टार्ट होगा वो इधर स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे 14 February से हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने की कह रहे हैं। ये देखिए, 14 से यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद 2023 के फर्स्ट मंथ में हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद 2024 में हमारे जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं वो हो जाएंगे, 2025 के मार्च में हमारे अगले एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, और 2025 के अप्रैल के अंदर हमारे कुछ सेकेंड फाइनल एग्ज़ाम्स भी बोल रहे हैं, और साथ में 2026 का जो मई जून होगा वहाँ पे हमारा कंप्लीशन हो जाएगा थियोरेटिकल कोर्स का। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, और इंटर्नशिप जो होगी हमारी 2027 के जून में 12 months की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप नीट PG के लिए कर सकते हैं।
तो हमारा पूरा शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है। और पहले क्या होता था, आप ये देखिए कि 54 मंथ का कोर्स था, ठीक है, अब कितने का वो कोर्स कर दिया गया है, आप ये देखिए, फाइनल प्रोफेसर 28 मंथ, ये देखिए, अब टोटल कर दिया गया है 53 मंथ का, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अब 53 मंथ का कर दिया है। वैकेशन रिड्यूस टू 1 week समर एंड 1 week इन विंटर एवरी ईयर, पहले शायद 1 month की होती थी, अब हमें सिर्फ 1 week की वैकेशन मिलने वाली है, ज़्यादा वैकेशन भी नहीं मिलेगी, वीकेंड्स पे भी हमारी क्लासेज हो सकती है, ओवर टाइम क्लासेज भी हो सकती है। ये प्रीवियस शेड्यूल है और ये न्यू शेड्यूल है, आप इसे मैच कर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।